विश्व के साथ साथ देश में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के अनेक राज्यों में कोरोना को लेकर कई केस सामने आ चुके हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी प्रशासन कोरोना के चलते विशेष सतर्कता अभियान चला रहा है। वहीं इंदौर में संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कोरोना को लेकर बताया कि शहर में कोरोना वायरस की जांच के लिए मेडिकल किट प्राप्त हो गई है। वहीं MGM मेडिकल कॉलेज में स्थापित बायोलॉजी लैब में ये जांच सुविधा आरंभ हो रही है। त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल स्टाफ को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब कोरोना की जांच के लिए सैंपल बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंदौर में संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में आकाश त्रिपाठी ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए विभिन्न विभागों को समेकित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में सतर्कता और जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। ये तथ्य संज्ञान में आया है कि विश्व के कुछ देशों में जहां कोरोना वायरस को हल्के में लिया गया, वहां अब ये महामारी के रूप में फैल रहा है। यदि हम सभी अधिक सतर्कता से इसका सम्मान करेंगे तो हमें इस पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। बैठक में प्रमुख रूप से दुबई से आने वाली फ्लाइट की यात्रियों के मेडिकल परीक्षण और उनको क्वारंटाइन किए जाने पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित एयरपोर्ट डायरेक्टर आरिमा सान्याल ने बताया कि दुबई से आने वाली यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। बैठक में कलेक्टर लोकेश जाटव ने बताया कि इंदौर में कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, जिम, वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क, संगीत संस्था, मैरिज हॉल, पब, डिस्को डेक और मेघदूत गार्डन, रीजनल पार्क जैसे सार्वजनिक पार्क को आगामी आदेश तक बंद किया जा रहा है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार को 56 दुकान और सराफा के फूड जोन भी बंद रखे जाएंगे। साथ ही ब्लियन कन्वेंशन सेंटर और अन्य ऑडिटोरियम को भी आगामी आदेश तक बंद किया जाएगा। जाटव ने कहा कि कोरोना के संदर्भ में एहतियातन ये उपाय किए जा रहे हैं। बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव, MGM मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति विंदल, एम्बा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर, उपायुक्त राजस्व सपना सोलंकी सहित नगर निगम, रेलवे, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास, शिक्षा, परिवहन आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।